इनके बारे में हम कुछ जान लें डॉल्थी एल का पूरा नाम डॉल्थी ली था अठारह में इनका जन्म हुआ था उन्नीस में इनकी मृत्यु हुई थी ये एसेस्ट थी यानी कि निबंधकार प्ले राइट थी यानी कि ड्रामा लिखती थी पोइट थी कवि थी कवायतरी थी और राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन जासूसी कहानियाँ भी लिखती थी इनके बारे में जो खास बात ये है कि समरवेल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ये पढ़ी थी और 1915 में जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली तो ये ऐसा करने वाली पहली महिला बनी 1915 में पहली महिला बनी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई इनकी कुछ खास खास किताबें हैं क्लाउड्स ऑफ फिटनेस अननेचुरल नेचुरल डेथ लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी नाइन टेलर्स कॉर्डीनाइट इसके अलावा इन्होंने डांटे एलगेरी की इन फर्नों का वर्स ट्रांसलेशन यानी उसको कविता के रूप में इन्होंने अनुवादित किया है यह जो चैप्टर है हमारा हाउ फ्री इज़ द प्रेस इसमें ये काफ़ी क्लियरली और काफ़ी स्ट्रांगली आर्गू करती हैं कि क्यों प्रेस की जो आज़ादी मिली है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है कैसे प्रेस अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहा है देखिए चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े कठिन हैं ऑन द होल मुझे ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए ख़ासतौर पर इस उम्र में कि न्यूज़पेपर न्यूज uh, चैनल ये हम पे कितना असर डालते हैं कैसा असर डालते हैं ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया है इसमें तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं लिखती हैं कि दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज़ अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड वी नीड नॉट डिस्कस इट पहला ही इनका जो सेंटेंस है काफ़ी डीप है कहती हैं कि स्वतंत्र प्रेस के बिना किसी राष्ट्र के लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते यह एक ऐसी बात है जिसे सभी स्वतंत्र लोग हल्के में लेते हैं इसकी कदर नहीं करते हैं टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब कदर नहीं करना किसी बात को हल्के में लेना तो देखिए ये समझाना चाहती है कि अगर आपके राष्ट्र में प्रेस को फ्रीडम हासिल नहीं है जो प्रेस होती है पत्रकारिता जर्नलिज्म जिसको कहा जाता है तो अगर प्रेस को मीडिया को स्वतंत्रता हासिल नहीं है तो एक बात जान जाइए आप भी स्वतंत्र नहीं है लेकिन इस बात को हम लोग थोड़े ज़्यादा हल्का में लेते हैं हल्के में लेते हैं क्यों ये आगे और भी चीज़ें बताएंगी इस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं यहाँ पे ये यह कह रही है यहाँ हमें इसके डिस्कशन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप जान जाइए कि अगर आपके देश में प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो आप भी स्वतंत्र नहीं हैं साफ भाषा में ये कहना चाहती हैं आगे कहती हैं कि नॉट वी विल नॉट विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर हम यहाँ इस बात पर भी चर्चा नहीं करेंगे कि युद्ध के समय प्रेस पर कैसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज अ फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट वेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रीस्टोर्ड क्योंकि युद्ध के समय में तो वैसे भी सभी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करना ही पड़ता है लेकिन किसी देश के लोगों को यह देखना चाहिए कि अगर वह स्वतंत्र है तो शांति के समय में प्रेस को भी स्वतंत्रता मिले पूर्ण स्वतंत्रता बहाल हो आगे लिखती है कि इन द मीन टाइम इसी बीच इट मे बी होल सम टू कंसिडर वॉट दैट फ्रीडम इज एंड हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल इसी बीच हमें यह भी सोचना होगा यह सही होगा कि हम सोचें विचार करें कि आखिर वो आजादी क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए तो किस आजादी की हम बात कर रहे हैं और क्या वो आज़ादी किस हद तक वह आज़ादी वांछनीय है मतलब किस हद तक वह आज़ादी मिलनी चाहिए तो अगर हम इन पे विचार विचार करें तो पता लगेगा कि इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल और इवन अ मेयर फ्रीडम टू टैरनीज़ फॉर टैरनी इज़ इन फैक्ट द अनकन्ट्रोल फ्रीडम ऑफ वन मैन और वन गैंग टू इम्पोज इट्स वेल ऑन द फॉल्ट हम पाएंगे कि या तो हमारे यहाँ प्रेस को आज़ादी मिली ही नहीं है या जो आज़ादी मिली है वो बिल्कुल निरंकुश है टायरनी का मतलब होता है निरंकुश शासन किसी देश का जो राजा होता है ना बिल्कुल अत्याचारी होता है बिल्कुल उसको रोकने वाला कोई नहीं तो उसको टायरेंट कहते हैं टेरेंट भी कहा जाता है उसी से ये टेरनी वर्ड टायरनी निकल के आता है तो मतलब समझिए ये क्या कहना चाहती है ध्यान से समझिएगा इस शब्द इस पूरे चैप्टर को कई बार आपको लग सकता है कि ये बोरिंग है लेकिन नहीं है ये बोरिंग थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि अगर हम निर्णय करें सॉरी विचार करें तो पता लगेगा कि या तो स्वतंत्रता मिली ही नहीं है हमारे यहाँ या इतनी मिली हुई है कि वो लोग अपनी मर्जी थोपने के लिए आज़ाद है पूरी दुनिया पर ठीक है तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं या तो प्रेस बिल्कुल आज़ाद नहीं है या बिल्कुल ही ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद है आगे ये कह रही है कि वेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। कहती हैं कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा मतलब बिल्कुल छोटे लिमिटेड सेंस में होता है बहुत लिमिटेड अर्थ में होता है सीमित अर्थों में होता है क्या होता है वो कि सरकार द्वारा किसी तरीके का निर्देश ना दिया जाए और किसी तरीके की सेंसरशिप ना रखी जाए सेंसरशिप से और सरकारी निर्देशन से स्वतंत्रता अगर प्रेस को है तो हम समझते हैं यही स्वतंत्रता है यानी कि सरकार जब डिसाइड ना करे कि प्रेस में क्या खबरें दिखाई जाएंगी नहीं दिखाई जाएंगी तो प्रेस स्वतंत्र है और अगर प्रेस अगर सरकार ही डिसाइड करती है जैसे अभी साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया जहाँ जोंग उन है तो वहाँ अगर सरकार डिसाइड करती है कि क्या दिखाना है तो प्रेस स्वतंत्र नहीं है अब आगे लिखती है कि इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री इस संबंध में इस संदर्भ में देखा जाए तो सामान्य प्रेस परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रेस जो है यानी ब्रिटेन का जो मीडिया है ब्रिटेन का जो प्रेस है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है it can attack the policy and political character of ministers interfere in the delicate machinery of foreign diplomacy conduct campaigns to subvert the constitution incite citizens to discontent and rebellion expose scandals and foment grievances and generally harry and belabor the servants of the state with almost perfect liberty How come the british press तो यह मंत्रियों की नीतियों पर और उनके राजनैतिक चरित्र पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है और देश की जो विदेशी कूटनीति है उसमें भी हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र है यानी हमारा देश किस दूसरे देश से कैसे रहना चाहिए अच्छे संबंध बना के या बुरे संबंध बना के उन सब पे यह हमारा प्रेस हमला कर सकता है हमारी प्रेस स्वतंत्र है ब्रिटिश प्रेस ये बात है अपनी प्रेस की क्योंकि वो अभियान चला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को पलटने के लिए संविधान को पलटने के लिए नागरिकों में असंतोष फैला सकता है नागरिकों को विद्रोह के लिए उकसा सकता है साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में घोटाले हैं और जो शिकायतें हैं उनको भी उजागर कर सकता है और जो भी सरकारी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है पूरी स्वतंत्रता के साथ On occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people. Or, अगर वह चाहे तो कभी भी सरकार को लोगों की इच्छा के अनुरूप चलने के लिए मजबूर कर सकता है इस काम के लिए बड़ा हथियार बन सकता है इन्होंने पहले पैराग्राफ में चर्चा की कि आखिर फ्रीडम होती क्या है प्रेस की फ्रीडम होती क्या है और क्यों वो जरूरी है उन्होंने बताया कि प्रेस को क्यों फ्रीडम मिलनी चाहिए क्योंकि अगर प्रेस फ्री नहीं है तो आप फ्री नहीं हैं ऐसा इन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा दूसरे में इन्होंने थोड़ा डीपली समझाया कि फ्रीडम का क्या मतलब है तो ये समझा रही है हमारी सोच सबसे पहले कि हम सोचते हैं कि सरकार का कंट्रोल नहीं है तो प्रेस फ्री है तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटिश प्रेस फ्री है सो so फार अब अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे सॉरी सो सोफा दिस इज ऑल टू द गुड अब तक तो जो हमने पढ़ा यह सब अच्छा ही है अच्छे के लिए ही है ओकेजनली दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्ट्रस हेजिटेशन एंड इनकन्सटेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एमरजेंसी मेजिस बट जनरली स्पीकिंग इट वर्क टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट दैट द स्टेट इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल अब तक जो हमने पढ़ा वो सब तो ठीक है जो प्रेस की स्वतंत्रता थी कि सरकार पे दबाव बना सकती है लोगों को उकसा सकती है वगैरह वगैरह लेकिन कभी कभी यह जो स्वतंत्रता है यह जो पब्लिक पॉलिसी होती है किसी देश की उसमें गड़बड़ कर सकती है और हैम्पर का मतलब रोकना बाधा लगाना इमरजेंसी में कोई फैसला आपातकाल में कोई फैसला कोई उपाय लिया जा रहा है सरकार के द्वारा तो यह उसमें बाधा डाल सकती है कैसे बाधा डाल सकती है लोगों को उकसा सकती है कि देखिए आपके ख़िलाफ़ ये गलत हो रहा है तो लोग आंदोलन कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ भी फार्म बिल्स पर आपने देखा किसानों ने आंदोलन किया था क्यों क्योंकि उन्होंने भी अखबारों या न्यूज़ चैनल में जो जाना जो लोगों ने उनको बताया उन्होंने उसके हिसाब से सोचा कि ये हमारे लिए बुरा है तो वही कह रहा है कि कुछ भी कर सकती है लेकिन आम तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यह जो स्वतंत्रता है जो प्रेस को स्वतंत्रता मिली है यह क्या काम करती है यह सुरक्षा करती है हमारे देश के लोकतंत्र के सिद्धांतों की केंद्रीय सिद्धांतों की जो सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी बात कर रहे हैं कि तो लोकतंत्र के केंद्रीय सिद्धांतों की सिद्धांतों की क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल जो सरकार है यहाँ स्टेट का मतलब सरकार है कि जो सरकार है वो लोगों की मालिक नहीं है लोगों की नौकर है अब इस पैराग्राफ का एक बार फिर से थोड़ा मैसेज समझ लीजिए इन्होंने बताया कि हाँ ठीक है लोगों को उकसाया जा सकता है कई बार काम में सरकारी काम में गड़बड़ियाँ भी ला सकती है प्रेस ठीक है ये कुछ गड़बड़ियाँ हैं जो प्रेस कर सकती है लेकिन फिर भी प्रेस का आज़ाद होना जरूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं केंद्र को आईना दिखाएगी जो सरकार है जो शासक है उसको आईना दिखाएगी और इस तरीके से लोगों में इस भावना को बना के रखेगी कि हमारा शासक हमारा मालिक नहीं अब आगे कह रही है कह रही है ये कि द प्रेस एज अ होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस इज दस प्री फ्री इन अ पीसफुल पर्टे इस तरीके से अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण ब्रिटेन में प्रेस काफ़ी स्वतंत्र है शांतिपूर्ण ब्रिटेन यानी जब हम लोग युद्ध ना कर रहे हो तब आगे लिखती है कि देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट सम हाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इट्सल्फ बट इफ़ वी गो ऑन टू इमेजिन दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस इंजॉय दैट लाज लिबर्टी ऑफ बींग अ फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन वी आर ग्रेवली मिस्टेकन लिखता है कि नो शेड का मतलब यहाँ अंश से है कि राजनीतिक राजनीतिक राय का ऐसा कोई अंश नहीं है जो इस तरह खुद को व्यक्त करने का प्रयास नहीं करती है यानी कि हमारी राजनीति में जो भी लोग हैं वो सभी कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि प्रेस स्वतंत्र है और इसके लिए वो पूरा प्रयास करते हैं लेकिन अगर यह हम कल्पना करें कि प्रेस के किसी विशेष अंग को जनमत का मंच होने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो हम गलत हैं यानी कि अगर आप यह कल्पना कर रहे हैं कि प्रेस आज़ाद है हमारी बातों को लिखने के लिए हमारी जो हमारे लिए सही है वह लिखने के लिए तो आप गलत सोच रहे हैं क्रेवले मिस्टेक बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी अगर आपको लगता है कि प्रेस पे सरकार का प्रतिबंध नहीं है तो यानी कि प्रेस आज़ाद है यहाँ तक इन्होंने जो बातें कही उसी को आगे बढ़ा रही है हम समझते हैं कि प्रेस पे अगर सरकार का कंट्रोल नहीं है तो प्रेस आजाद है हमारे देश में देखिए कितने न्यूज चैनल्स हैं जो लगातार सरकार पे हमला बोलते हैं लगातार चाहे वो किसी की भी सरकार हो कई बार वो लोग बीजेपी की गवर्नमेंट पर हमला बोलते हैं कई बार कांग्रेस की गवर्नमेंट पर बोलते हैं कई बार वो हमला जायज़ होता है तो कई बार बिल्कुल नाजायज़ होता है तो ऐसे में हमको लगता है ना कि वो लोग आज़ाद हैं ब्रिटेन की बात छोड़िए इंडिया की बात कीजिए तो हमें लगता है कि आज़ाद है लेकिन ये बिल्कुल हमारी सोच गलत है हमें अगर ऐसा लग रहा है कि प्रेस एक फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन है तो हम गलत हैं देखिए कैसे एवरी न्यूज पेपर इज शैकल्ड टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवर लॉर्ड्स एंड इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सिफुल सर्वेंट एक्सरसाइज अ पावरफुल बॉन्डिज अपॉन इट्स रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक चनरली हर जो समाचार पत्र है वो कहीं ना कहीं बेड़ियों से जकड़ा हुआ है शैकंड मतलब जुड़ा हुआ हो ना किसी के द्वारा बेड़ियों में जकड़ा जाना तो जैसे हाथी को बांध के उसका मालिक रखता है उसी तरह न्यूज़पेपर को इसके ओवर लॉर्ड्स ओवर लॉर्ड्स मालिकान कह कह लीजिए वो लोग जिनका उस पर कंट्रोल है अधिपति हिंदी होती है शायद इसकी तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़पेपर को भी कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं जो उसके मालिक होते हैं और इसी वजह से लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट ये अनमर्सीफुल सर्वेंट बाइबल का एक पैरबल है यहाँ हम लोग उसको हटा के सोचते हैं ठीक है एक्सरसाइज इज़ अ पावरफुल और चूंकि वो खुद बंधा हुआ है इसीलिए हमें भी कहीं ना कहीं बंधनों में जकड़ने का वो काम करता है कैसे बंधनों में जकड़ता है देखिए बड़े अच्छे से इन्होंने बताया इस चैप्टर को मैंने बोला ना आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है समझाएगा चैप्टर कि आप लोग कैसे कोई चीज खरीदते हैं आपको लगता है कि आप अपनी सोच से खरीद रहे हैं जी नहीं देखिए आगे सब कुछ बताया जा रहा है आपको लगता है आप अपनी सोच से वोट डाल रहे हैं आपको पता है किसी नेता के बारे में सब कुछ तो आप गलत है देखिए चल देखते चलिए इसको तो चूंकि प्रेस खुद ही बंधा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ मालिकों के हाथ में इसीलिए वो हमें भी बांधने का काम करता है इन डीड वी मे से दैट heaviest restriction रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप बाई अ प्रेस विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैनुफैक्चर इट बहुत सुंदर लाइन है बहुत डीप लाइन है मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा देखिए कई बार अंग्रेजी पढ़ के समझना एक अच्छी चीज अलग चीज़ होती है और समझाना बहुत अलग चीज़ होती है मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत सुंदर तरीके से समझ तो गया हूँ मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा और इसकी बातें बड़ी अच्छी लगी लेकिन क्या मैं आपको भी उतने अच्छे से समझा पाता हूँ ये देखना होगा अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो गलती आपकी नहीं वो मेरी होगी कि मैं आपको ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ खैर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ देखता हूँ क्योंकि देखिए समझाना आसान काम नहीं है समझाना हर किसी की औकात की बात नहीं है समझाने के लिए भी कला चाहिए पता नहीं मुझमें वो है कि नहीं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वही कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में कह रही है कि वास्तव में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े जो बंधन डाले गए हैं प्रेस की सॉरी हमारी पब्लिक ओपिनियन की आज़ादी पे हमारी जो हम जो विचार बनाते हैं उसकी आज़ादी पे बंधन है हम विचार स्वतंत्र रूप से नहीं बनाते जैसा कि मैंने अभी बोला ना कि आप कुछ खरीदते हैं ये मत सोचिए कि आपने खरीदा आपसे खरीदवाया गया आपके दिमाग में डाला गया कि ये चीज़ अच्छा है डिओड्रेंट लगाइए लड़कियां आकर्षित होंगी ऐसा लड़कों के दिमाग में डाला जाता है फलानी कंपनी की चड्डी पहनिए और इसको आप जीन्स के ऊपर रख के दिखाइए तो लड़कियाँ आपके के प्रति आकर्षित होंगी ये लड़कों के दिमाग में डाला जाता है ठीक है तो यही चीजें हैं कि हमारे विचारों के ऊपर भी बंधन है और ये बंधन वो बंधन नहीं है जो सरकार प्रेस पे डालती है नहीं वो सेंसरशिप का बंधन नहीं है आधिकारिक रूप से जो सेंसरशिप का बंधन डाला जाता है वो बंधन नहीं है बल्कि वह बंधन है जो प्रेस ने हम पे डाला हुआ है प्रेस पे कोई बंधन नहीं है प्रेस ने ही हम पे बंधन डाला हुआ है और ये बंधन है जो एक तरीके से समझिए कि हमारे विचारों को दर्शाता नहीं है बल्कि हमारे विचारों को तैयार करता है एक अखबार में जनता की राय नहीं दिखाई जाती है कि जनता क्या सोच रही है बल्कि एक अखबार में जनता को क्या सोचना चाहिए ये लिखा जाता है और जनता को उसी सोच में बहने के लिए मजबूर किया जाता है तो यही कह रहा है कि प्रेस विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एज टू मैनुफेक्चर इट अखबार में किसी की राय नहीं है न्यूज पेपर वाले की राय एडिटर की राय जनता की राय किसी की राय नहीं है बल्कि क्या जनता की राय होनी चाहिए इसको बनाने का काम वहां किया जा रहा है देखिए कैसे द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई टू चीफ फैक्टर्स कोई भी लोकप्रिय जो दैनिक अखबार पत्र होता है समाचार पत्र उसकी जो संपादकीय नीति है वह दो मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती है दो कारक फैक्टर कह लीजिए जो चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करती है दो चीज़ें हैं दो बड़ी चीज़ें हैं जिनसे किसी समाचार पत्र की नीति बनती है यानी वो किसकी खबर बताएगा किसकी खबर नहीं बताएगा क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा इसको बनाने में दो मुख्य कारण हैं कारक हैं फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम whom it gets the money, which enables it to keep up its large circulation. जिसमें से पहला कारक यह है कि वह विज्ञापन दाता जो पैसा देते हैं किसी अखबार को या किसी न्यूज चैनल को भी ये जब लिखा गया था तब तो न्यूज चैनल इतने नहीं थे तब सिर्फ अखबार थे इसलिए मेरे भी मुंह से बार बार अखबार ही निकल जा रहा है लेकिन आप लोग समझिए अखबार न्यूज चैनल सब हम लोग बात कर रहे हैं तो पहला तो उन विज्ञापन दाताओं का हित है जिनसे इनको धन प्राप्त होता है अब इस लाइन को मैं डीपली समझा रहा हूँ समझने की कोशिश आप करेंगे मैं कोशिश करता हूँ समझाने की मान लीजिए एक रिफाइंड ऑयल है फलानी कंपनी का हम लोग उसका नाम ही चलिए रख देते हैं फलाना रिफाइंड ऑयल फलाना रिफाइंड ऑयल में कैंसर वाले जो केमिकल हैं वो मिले हुए हैं अखबार को न्यूज़ चैनल को पता चलता है कि ये बहुत बुरा है और वो आर्टिकल लिखने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं लेकिन वो नहीं दिखाएंगे अगर वही कंपनी इनको पैसा देती है कि आप मेरा प्रचार कीजिए तो समझिए आप किसी ऐसे अखबार में अपना विज्ञापन थोड़े देंगे जो विज्ञापन आप ही की बुराई करता हो नहीं देंगे ना तो वही चीज़ है यही वजह है कि अखबार वाले सच कहने से बचते हैं वो देखते हैं कि जिसके बारे में सच कहना है कहें उससे मुझे पैसे की आमदनी तो नहीं होती है तो विज्ञापन दाताओं के बारे में ये सोचते हैं नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज पेपर डीय सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी हावे व मच इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित स्वार्थ निहित हित कहता है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़ कोई भी अखबार जो बहुत प्रचलित रूप से बहुत प्रसारित रूप से व्यापक रूप से बिकता है सर्कुलेशन का मतलब उसका जो सेल है उसको कहा जाता है कोई भी अखबार जो बहुत ज़्यादा बिकता है उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि सरकार के किसी कदम का समर्थन कर दे चाहे वो कितना भी अच्छा कदम ना हो अगर अगर वह कदम उसके विज्ञापन दाताओं के खिलाफ है तो समझिए इस बात को मान लीजिए सरकार मोबाइल फोन चाइनीज मोबाइल फोन पे बैन लगाने की घोषणा करती है मान लीजिए सरकार चाइनीज मोबाइल पे बैन लगाने की घोषणा करती है और सर चाइनीज मोबाइल फ़ोन का विज्ञापन अखबारों में बहुत ज़्यादा आता है तो भले ही यह फैसला देश के लिए अच्छा है लेकिन कोई अखबार इसको अच्छा नहीं कहेगा क्यों क्योंकि अगर चाइनीज़ फोन बैन हो जाएंगे तो वो देश में चलेंगे नहीं तो इनको पैसे तो देंगे नहीं प्रचार करने के लिए तो यही चीज़ है कि अगर सरकार का कोई कदम जनता के हित में भले अच्छा है लेकिन वो इनके विज्ञापनदाताओं के लिए अच्छा नहीं है तो ये उसका समर्थन नहीं करेंगे अपोज ऑन दॉफ्टियस्ट हाइजेनिक्राउंड बाई द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग लिखते हैं कि यही वजह है कि अगर यही वजह है इस वजह से कि कोई भी अगर सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती है कि कोई सामान जो बिक रहा है दुकानों में हम लोग उसकी बिक्री को रोकेंगे नियंत्रण में लाएंगे जैसा कि उदाहरण इन्होंने दिया है उन्नीस में ब्रिटेन की सरकार ने माजरीन पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी माजरीन एक तरीके का समझिए कि सिंथेटिक मक्खन है मक्खन तो दूध से निकलता है माजरीन दूध से नहीं निकलता वो आमतौर पे प्लांट या जानवरों की चर्बी से बनता है हमारे यहाँ भी कुछ बीच में ये काफ़ी लोगों के अंदर चुल्ल पची थी कि हम बटर की जगह मार्जरीन खाएंगे मैंने दो चार अखबारों में तो नहीं लेकिन वो जो महिलाओं की पत्रिकाएं आती हैं उनमें दो चार जगहों पे विज्ञापन देखा और आर्टिकल भी देखा कि कैसे मार्जरीन बटर से अच्छा है हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है वगैरह वगैरह लेकिन इसमें कई बुराइयां हैं मार्जरीन में कई बुराइयां हैं इसी वजह से ब्रिटेन में उन्नीस में मार्जरीन की बिक्री को कंट्रोल करने का एक प्रस्ताव लाया गया था लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ अखबारों के द्वारा अखबारों ने उसका बड़ा विरोध किया ऑन द लॉफ्टीस्ट हाइजीनिक ग्राउंड किस आधार पे कि यह मोरली रॉन्ग है यह नैतिक रूप से गलत है किसी भी ये आमतौर पे हमारे यहाँ हर जगह लोगों का आम तौर पे कहना है अखबार वालों का न्यूज़ चैनल्स का देखिएगा सुनिएगा आप अगली बार से ध्यान दीजिएगा अगर सरकार किसी भी चीज़ को बैन करने की कोशिश करती है कोई ऐसी चीज़ जिसका विज्ञापन आपके अखबार में आता है तो अखबार में उसके बारे में बहुत कड़ा विरोध उसका किया जाएगा बताया जाएगा कि क्यों यह गलत है लोगों को आजादी होनी चाहिए कि वो जो चाहे वो खरीद सकें तो ऐसा क्यों करते हैं अखबार और न्यूज चैनल क्योंकि उनको उससे एडवरटाइजिंग मिलती है यही वजह है कि उन्नीस में मार्जिन को जब माजरीन को जब कंट्रोल करने की कोशिश की थी माजरीन के सेल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी तो अखबारों में बड़ा विरोध हुआ ऑन दी अदर हैंड एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज टू पे दी हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन विल बी Again, on the highest moral and hygienic grounds, denounced, smashed, and driven off the market. You are not allowed to use any product that dissociates itself from the advertising. Now, one that if you किसी कोई प्रोडक्ट बनाने वाले लोग अखबारों को लगातार पैसा और विज्ञापन दे रहे हैं तो अखबार उनके सपोर्ट में कुछ भी करेंगे वहीं दूसरी तरफ की अगर कोई ऐसा उत्पाद है कोई ऐसा सामान है जो अखबारों में विज्ञापन नहीं देता मान लीजिए कोई नया आदमी है कोई नया काम कर रहा है और वो अखबारों में विज्ञापन नहीं देना चाहता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उसका प्रोडक्ट अच्छा है वो चाहेगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट लोग यूज़ करें खुद ही एक दूसरे से कहे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन पर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा उसको डिनाउंस किया जाएगा यानी कि उसका उसकी निंदा की जाएगी उसके बारे में गलत सलत बातें लिखी जाएंगी स्मैश्ड उसके उसको तोड़ दिया जाएगा तोड़ने का मतलब तो उसके हौसले को तोड़ दिया जाएगा एंड ड्रिफन ड्रिवन ऑफ द मार्केट और उसको भगा दिया जाएगा अगर कोई प्रोडक्ट अखबार में विज्ञापन नहीं देता है तो अखबार वाले और अखबार वालों को जो विज्ञापन देते हैं सभी लोग मिलजुल के उसको कहीं ना कहीं भगा देंगे मार्केट से ठीक है उसके बारे में गलत बातें लिखी जाएंगी गलत अफवाहें फैलाई जाएंगी अब आपसे कह रही है ये आपसे यानी कि रीडर्स से जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनसे कि यू आर नॉट अलाउड टू तो यूज एनी प्रोडक्ट दैट डिसोसिएट्स सेल्फ फ्रॉम रिंग आपको इजाजत नहीं है किसी ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करने की जो स्वयं को विज्ञापनों के दायरे से अलग करता हो यानी अगर कोई ऐसा उत्पाद है जो विज्ञापन नहीं देता है अखबारों में न्यूज चैनल्स में तो उसका यूज़ आपको नहीं करने दिया जाएगा आपके दिमाग में यह भर दिया जाएगा कि वह कहीं ना कहीं खराब प्रोडक्ट है ठीक है ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल सिंस अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स पैंक्रप्सी इफ द हैज़ टू डिपेंड ऑन इट्स सेल्स फॉर इट्स रेवेन्यू खैर यह सब चीजें तो समझ में आती हैं कि अखबार वाले ऐसा क्यों करते हैं अखबार वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विज्ञापन ही अखबार को चलाए रखने का काम करते हैं अगर अखबार सिर्फ अपनी सेल बढ़ाए तो वो बिक जाएगा एक दिन क्यों बिक जाएगा इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ अगर मान लीजिए कोई अखबार पाँच रुपए का है मान लीजिए आपके हाथ में कोई अखबार पाँच रुपए का है तो एक बात जान जाइए कि वो पाँच रुपए में नहीं छपता है वो कम से कम पंद्रह से सोलह रुपए में छपता है उसका खर्चा पंद्रह से सोलह रुपए पड़ेगा लेकिन आपको वो पाँच रुपये में कैसे मिल जाता है ग्यारह रुपये सस्ता क्यों मिल जाता है तो कुछ तो सरकार कागज़ पे हमारे यहाँ सब्सिडी देती है हर देश में देती है इंक पे सब्सिडी देती है ट्रांसपोर्टेशन में उनके सब्सिडी देती है टैक्स में उनको रिलीफ देती है और कहीं ना कहीं वो लोग विज्ञापन से कमाते हैं तो अगर कोई अखबार हद से ज्यादा बिक रहा है और विज्ञापन नहीं छप रहे हैं उसमें वो सारा पैसा निकाल रहा है अपना अपनी बिक्री से ही तो या तो वो बहुत महंगा होगा तो फिर लोग खरीदेंगे ही नहीं या वो बिक जाएगा बैंक रपसी की तरफ चला जाएगा एवरी न्यूज पेपर लिव्स इन अ पर्पेचुअल प्रक्रियस बैलेंस हर समाचार पत्र जो होता है ना एक चिर अस्थाई खतरनाक संतुलन के दौर से गुजरता रहता है मतलब हमेशा ही एक खतरा मंडराता रहता है अखबार पे कि कब यह अखबार मार्केट से बाहर हो जाए क्यों खतरा मंडराता रहता है तो सबसे पहले तो इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स इट मस्ट सेल इट सेल्फ बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट इफ इट्स सेल्स मोर कॉपीज दैन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर इट फेसिस फाइनेंशियल डिजास्टर देखिए क्या होता है इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा सबसे पहले तो अगर आप किसी अखबार में विज्ञापन देने जाते हैं तो अखबार विज्ञापन का एक पैसा लेता है अगर कोई बड़ी कंपनी मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी किसी अखबार को विज्ञापन देने गई तो अखबार वाले उससे एक पैसा मांगते हैं कि मुझे इतने पैसे आप दीजिए पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ तो विज्ञापन देने वाली कंपनी यानी मोबाइल कंपनी कहेगी कि हम आपको इतने पैसे क्यों दें आप तो बस एक शहर भर में ही बिकते हैं तो जितना ज़्यादा वो बिकेगा उतना ही उसको विज्ञापन से पैसा मिलेगा लेकिन अगर उसको ज़्यादा बेचना है तो उसे खुद का रेट कम करना होगा और रेट कम करेगा तो उसको घाटा लगेगा तो यह एक डें खतरा है कि अगर मान लीजिए हम अपने अखबार का रेट कम कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे लेकिन अगर विज्ञापन नहीं आया तो क्या होगा तो यह भी एक खतरा है जिससे सभी लोग हमेशा गुज़रते रहते हैं लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि आपने बहुत ज़्यादा आपके अखबार का ताम सोलह रुपये पड़ जाता है छप के आप पाँच रुपये में बेच रहे हैं ग्यारह रुपये का घाटा लगा के और इस तरीके से आप हर रोज़ एक करोड़ अखबार बेच रहे हैं तो ग्यारह करोड़ का रोज आपको घाटा लग रहा है और अगर रोज आपको ग्यारह करोड़ विज्ञापन से कमाई नहीं है तो आप बिक जाएंगे आपकी कंपनी आपका अखबार बिक जाएगा आपको तबाह कर देगा कंसिक्वेंटली द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल दर्गन द मोर क्लोजली इट हैज़ टू सबसर्व यही वजह है कंसिक्वेंटली का मतलब है परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली का मतलब होता है इसी वजह से परिणाम स्वरूप तो इसी वजह से कोई अखबार जितना ज्यादा बिकता है जितना ज्यादा वो अखबार सर्कुलेशन में होता है ठीक तो वो उतना ही ज़्यादा बिका हुआ होता है ये कह रहे हैं कि अगर कोई अखबार कॉन्सिक्वेंटली द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल ऑर्गन ऑर्गन यहाँ अखबार है द मोर क्लोजली इट हैज़ टू सब्सर्व वेस्टेड इंटरेस्ट यही वजह है कि जितना ज़्यादा कोई अखबार बिकता है समझिए वो उतना ही बिका हुआ है यानी कि उतना ही ज़्यादा अपने जो लोग हैं जो विज्ञापन दाता हैं उनके निहित स्वार्थ की ये पूर्ति कर रहा है बता दिया ना मैंने कारण क्यों क्योंकि जितना ज़्यादा बिक रहा है उसको उतनी ही ज्यादा और पैसों की जरूरत पड़ेगी खर्चा उठाने के लिए तो फिलहाल इसको हम लोग यही रोकते हैं मैंने सोच लिया है कि तीस मिनट से ज्यादा किसी वीडियो को नहीं होने दूंगा दिक्कत हो जाती है आपको भी पढ़ने में मुझे भी पढ़ाने में तो उम्मीद करूंगा ये पार्ट आपको समझ में आया हो मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर कीप लर्निंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एंड ऑफ द वीडियो हाउ फ्री इज द प्रेस उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो और साथ में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियो में क्या चाहते हैं शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को